इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या है? क्रूसेड्स द होली वार्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस फॉर द होली लैंड्स आर कॉल्ड एज क्रूसेड्स। क्रूसेड्स उन लड़ाइयों कहते हैं जो कि मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के दरमियान हुई थी होली लैंड्स के लिए, कि होली लैंड्स पर कब्जा किस का होगा, क्रिश्चियंस का या मुस्लिम्स का। द सीरीज ऑफ होली वार्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1096 एंड एंड्स इन 1217। इनका जो ड्यूरेशन है तकरीबन 150 ईयर्स तक बनता है या 154 ईयर्स। ये अभी तक हिस्टोरियंस जो है इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि जो वार थी ये 9 हुई थी या 8 हुई थी। इस वजह से जो ये इनका ड्यूरेशन है 150 ईयर्स भी कहा जाता है, 154 ईयर्स भी माना जाता है कहीं पर। क्रूसेड्स को हम लोग रिलीजियस वार्स भी कहते हैं। वजह ये है क्योंकि रिलीजन हमारा बेस बना था कि मुस्लिम कहते थे हमें होली लैंड दी जाएँ, क्रिश्चियंस कहते थे हमें ईद दी जाएँ। रिलीजियस वारफेयर द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स वर अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स फाउट इन टू डेज मिडल ईस्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 11th सेंचुरी। 1096 से स्टार्ट हुए तो ये 11th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट बन जाता है, तब से ये स्टार्ट हुई थी। और फॉट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स टू गेन कंट्रोल ओवर की रिलीजियस साइट्स इन अराउंड जेरूसलम। यरूशलेम सबसे बड़ी वो थी, इस पे मिस्र के रिलीजियस साइट थी जिसपे मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों ही कब्जा करना चाहते थे। ऑल्दो हिस्टोरियंस आर्ग्यू अबाउट द टोटल नंबर ऑफ वार्स दैट वर फाउट, मोस्ट एग्री दैट 8 मेजर क्रूसेड्स टू प्लेस बिटवीन 1096 एंड 1217। मिस्र्स के अभी तक ये बात हमें कंफर्म नहीं है कि जो फाइट्स थी, क्रूसेड्स थी, मुस्लिम और क्रिश्चियन के दरमियान 8 हुई थी या 9 हुई थी। इनका पर्पस क्या था क्रूसेड्स का? रेस्टिंग ऑफ होली लैंड्स अराउंड जेरूसलम, गेनिंग कंट्रोल ऑफ की रिलीजियस लैंड्स, इवन द रीच्ड द नियर बाइजेंटाइन, मिस्र के बाइजेंटाइन बाजार जो था कॉन्स्टेंटिनोपल तक भी ये लोग क्रिश्चियंस की आर्मीज पहुंच गई थी मुस्लिम से होली लैंड्स को छीनने के लिए, इस वजह से हुई थी। और जो क्रूसेडर्स थे उनका पर्पस था प्रमोट क्रिश्चियनिटी, वो चाहते थे हमारे क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा तकवीत मिले, इस वजह से भी ये लोग इसमें आए थे। सोर्स ऑफ क्रूसेड्स, मिस्र क्रूसेड स्टार्ट की हुई थी, सलजुक ग्रुप्स था, एक सलजुक की टेरिटरी फैल गई थी बहुत ज़्यादा और उन्होंने 1050 में जेरूसलम पे कब्ज़ा कर लिया था, जबकि इससे पहले मुस्लिम और जो ये थे क्रिश्चन से 637 सी तक एक साथ रहते थे। कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था, हर कोई अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। दे लिव्ड विद मुस्लिम्स इन द रीजन फॉर सेंचुरीज, बहुत अरसे से रहते। लेकिन 11th सेंचुरी के मिड में ही ऐसा कुछ हुआ कि सलजूक लोग आए और उन्होंने मुस्लिम लोगों से जेरूसलम छीन लिया, जिसके बाद मुस्लिम लोगों ने अटैक किया और इस तरह से ये वार्स चलती रही हैं। ये एक सीरीज़ है, फर्स्ट क्रूसेड्स का पीरियड हमें दिखाया गया है 1096 से 1099 तक, सेकंड पीरियड 1147 से 1149 तक है, थर्ड क्रूसेड 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, लेकिन ये 1300 तक जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि 9 जो थी क्रूसेड वो भी हुई थी। ये हमारे पास ड्यूरेशन है, अगर इसको याद कर लिया जाए तो ये भी काफ़ी अच्छे मार्क्स दे जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रूसेडर्स थे कौन। हमारा एक क्वेश्चन भी होता है क्रूसेड्स में क्रूसेडर्स कौन थे। क्रूसेडर्स वो थे जो कि मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे, क्रिश्चियंस की आर्मी को क्रूसेडर्स कहा जाता है। अरेंज ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम किंग्स टू यंग पीजेंट डिसाइड टू जॉइन द क्रूसेड। मीन्स टू से कि क्रूसेडर्स जो थे वो हर तबके से थे, रिच लोग भी थे फाइट में और पुअर लोग भी थे। किसी ने ये नहीं देखा कि हमारा स्टेटस सोसाइटी में ये है तो हमें इस वार में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हर कोई अपने रिलीजन के लिए लड़ा था। और उनके लिए मोटिवेशन ये थी कि क्रिश्चियनिटी फैलेगी, होली लैंड्स हमें मिल जाएंगी, और कुछ लोगों ने एज ए एडवेंचर के तौर पे भी लिया था इसको। तो क्रूसेडर्स वो थे जो कि मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे, उनके आर्मीज ऑफ क्रिश्चियंस आर कॉल्ड एज क्रूसेडर्स। एंड ऑफ पर्पस ऑफ क्रूसेडर्स भी हम कर लेते हैं कि वार में वो लोग क्यों आए, जो आम आदमी आया था उसकी थिंकिंग पावर क्या थी, वो क्यों आया। उनका ख्याल था कि हमें होली लैंड्स मिल जाएंगी और उनके जो प्रीस्ट थे, या नन कह लें, प्रीस्ट कह लें या मॉन्क्स कह लें, मीन्स के मजहबी लोग थे, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जन्नत में जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। इस वजह से भी क्रूसेडर्स बहुत ज़्यादा वैसे ब्रेव थे, लेकिन उन्हें ये बात यकीन हो गया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम जन्नत में जाएंगे अगर हम अभी हम मर जाते हैं इस फाइट में। और वो लोग प्रीजेंट से मोस्टली बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो भी सोचते थे कि हम लोग मिजरेबल लाइफ से हमें जान छूट जाए। ये थे पर्पस ऑफ क्रूसेडर्स। और ये देखें कि पर्पस थोड़े से वीक है, अपने कंट्री के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे ये लोग, लाइफ मिजरेबल लाइफ से निकलना चाहते हैं, हेवन चाहते हैं, इसलिए ये लोग ये जंग हार गए थे। एंड ऑफ क्रूसेडर्स देखते हैं हम,
दे वर डिफीटेड बाय मुस्लिम्स बैडली, इन लोगों को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी। इस तरह से हुई थी कि क्रूसेडर्स जो थे वापस अपने घर नहीं जा पाए थे, उनके पास अगर वापस जाते भी तो कुछ नहीं बचा था। मोस्टली लोगों को कत्ल कर दिया गया था और कुछ बच गए थे जो कि भाग गए थे, किसी और कंट्री की तरफ मूव ऑन कर गए थे, लेकिन वो अपने मुल्क वापस जाने के काबिल नहीं रहे थे। कंक्लूजन ऑफ क्रूसेड्स का कहते हैं कि आखिर में क्रूसेड्स का कंक्लूजन क्या निकला, ये जो 154 या 150 ईयर्स तक जंगें चलती रही हैं, इसका एक कंक्लूजन भी तो होगा ना, लास्ट में रिजल्ट भी तो आएगा। इन स्पाइट ऑफ सम बैटल्स दैट वर वोन और ऑल द क्रूसेड्स फेल्ड टू मेट देयर मेन ऑब्जेक्टिव, द होली लैंड्स वर नॉट गेन्ड बाय द क्रिश्चियंस एंड मैनी क्रूसेडर्स नेवर रिटर्न होम एट ऑल। मीन्स जिसके क्रूसेडर्स को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी और वो वापस अपने घर नहीं जा पाए थे। इन लाइन से ये शो होता है कि होली लैंड्स मुसलमानों के पास ही रही थी। इन क्रूसेड्स का रिजल्ट ये था कि मुसलमानों ने होली लैंड्स को फतह कर लिया था। क्रूसेडर्स जो थे अदर डाइड ऑफ डिजीज और इंजर्ड एंड अदर्स वर सोल्ड एज स्लेव्स नेवर टू सी देयर होम्स एंड फैमिलीज अगेन। कुछ क्रूसेडर्स को बेच भी दिया गया था, वो वापस नहीं जा सके थे। बहरहाल हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि मुसलमानों ने जेरूसलम और उसके नज़दीक वाली होली जो लैंड थी वो काफ़ी बार लड़ाइयाँ कर करके अपने हिस्से में कर ली, और इस तरह से ये जेरूसलम और होली लैंड मुसलमानों के पास आ गए थे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट क्रूसेड्स एंड क्रूसेडर्स।